ये मदद जिसे आप देख रहे हैं, ये मानक्याला स्तूपा है और ये रवात मान वाक़ है। मानक्याला इस्लामाबाद से 36 किलोमीटर जनूब में रवात किले के करीब वाक़ है। रवात से मंदरा की जानेब 6 किलोमीटर के फासले पर लिंक रोड से अंदर तकरीबन 2 किलोमीटर ये तारीखी जगह है जो स्तूपा के नाम से मशहूर है। रवात की वजह शोहरत मानक्याला स्तूपा है। ये स्तूपा राजा मानक ने तामीर करवाया था और इस जगह का पुराना नाम भी मानकपुर या मानक नगर था, जो हिंदू धर्म के मुताबिक कदीम हिंदू राक्षसों यानी शैतान, अगर हम अपनी बात करें मुसलमानों में तो, का गढ़ था। लेकिन ये बात किसी मुस्तनद हवाले से साबित नहीं की जा सकी। पाकिस्तान में मानक्याला स्तूपा धर्मा राजिका के बाद सबसे बड़ा और ऊंचा स्तूपा है, जिसकी तारीख 2000 साल पुरानी है। एक अंदारा संतलन में एक बुद्ध खानका थी और यहाँ 15 के करीब स्तूपे थे। एक रिवायत के मुताबिक ये स्तूपा कनिष्का का तामीर कराया हुआ, जिससे आग लगने के बाद काफ़ी नुकसान पहुँचा था। स्तूपा से निकलने वाली तमाम कीमती अशिया लंदन जियन म्यूजियम की जीनत है। चीनी सयाह फैक्सियन, जिसने बुद्ध मकामात को देखने के लिए चीन से हिंदुस्तान का पैदल सफ़र किया, ने तोप मानक्याला का जिक्र करते हुए इसे शुमाली हिंदुस्तान के 4 बड़े स्तूपाज में शुमार किया है। यहाँ की लोक कहानियों में राजा रिसालू एक अहम किरदार है। कहते हैं किसी ज़माने में यहाँ पे बड़े जालिम हुक्मरान थे और राजा रिसालू ने उनका मुकाबला किया और मानक्याला का स्तूपा एक ऊंचे टीले पर तामीर किया गया। मौर्या हुक्मरान अशोका के दौर में इस तरह की बहुत सी इमारतें बनाई गईं जिनमें महात्मा बुद्ध की राख रखी गई थी। ये स्तूपा 20वीं दौर की यादगार है।